हेलो गाइस, और स्वागत है आज के मेरे न्यू वीडियो पे। और चलो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। जो मैं आप तो जान ही चुके होंगे मेरा वीडियो का आज क्या ही मतलब टाइटल है, मेरा ड्रीम के बारे में, मैं जो सोचता हूँ क्या करने की चाहता हूँ सब के बारे में आज बोलूँगा। ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट से देखना। अगर अगर अच्छा लगे तो सबको प्लीज़ एक बार शेयर भी करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ बंदे बहुत सारे सब जितने भी बंदे हैं सबके सब जाने कि मैं चाहता क्या हूँ, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बस सब साथ दें। तो शुरू होने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जितने भी बंदे सोचते हैं कि मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा सोचता हूँ, बहुत ही बड़ा प्लेयर हूँ, ये भी हूँ, जो भी हूँ, तो गाइस मैं एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इतना मैं बड़ा प्लेयर हूँ ही नहीं, मुंह पे बोल रहा हूँ। जितने भी सोचते हैं बस मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं कोई बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैं कुछ किया भी नहीं हूँ आज तक, मैं ज़्यादा कुछ किया भी नहीं हूँ। हाँ, एक बार दो तीन बार रैंक पुश कर चुका हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ा प्लेयर बन चुका हूँ। रैंक पुश बहुत सारे बंदे कर रहे हैं, मेरे से अच्छे कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे क्लास स्क्वाड वाले बंदे हैं, मेरे से भी अच्छे क्लास स्क्वाड वाले बंदे हैं। मैं तो क्लास स्क्वाड खेलता भी नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं ज़्यादा फुल में पे खेलता हूँ मेरे दोस्त लोग के साथ, मस्ती करने के लिए खेलता हूँ, खुश होने के लिए खेलता हूँ, जो भी करता हूँ बस अपने साथी लोग के साथ खेलता हूँ, बस कोशिश करता हूँ वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। और मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पता है मैं और मेरी टीम टूटी कहाँ पे थी? जो एक हमारी एक बड़ी टूर्नामेंट आई थी, ठीक है, FAYC की टाइप एक टूर्नामेंट आई थी, आइडल टाइप की, ठीक है, जहाँ पे दिल्ली पे टूर्नामेंट हो गई थी, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया दिल्ली पे, और स्क्रीमवार खेलने पे पहली बार स्क्रीमवार होने वाला था, जो भी टीम्स चूज होंगे वो स्क्रीमवार खेलेंगे, ठीक है। तो जो भी टोटल 5 मैचेस होंगे, 5 मैचेस जो भी स्क्वाड 4 हुई हमारे की वो सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारी टीम पहले 2 मैच बुया मार चुके थे, हमारी टीम पहले 2 मैच बुया मार चुके थे। तीसरी मैच पे कार्टून नेटवर्क का पूरा हैकर्स का टीम आया और हमको पूरा का पूरा टीम को वाइप आउट करके चला गया और हम दूर हो गए। और वही टीम जाके खेल लिए स्क्रीम वार भी, मतलब सोचो मैं और मेरी टीम पूरे के पूरे टूट चुके, पूरे के पूरे टूट गए। हमने सोच हमने कहाँ पे भी हेल्प हेल्प मांगने की कोशिश की, चारों तरफ कोई हेल्प नहीं किया। हेल्प करेगा अब तो कौन करेगा? हम तो है छोटे प्लेयर्स, हमें छोटे यूट्यूबर, यूट्यूबर मतलब गिनेगा भी कौन है? यूट्यूबर के हिसाब से, बाकी सब यूट्यूबर के हिसाब से मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो उनके हिसाब से मैं एक मतलब उनके पाँव के करीब भी नहीं हूँ। जो मैं आप लोग, मैं सच्ची बोलता हूँ, ठीक है, तो कोई हेल्प नहीं किया था। हमने वहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ उम्मीद छोड़ दिया, तो सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। हमने सोचा था कि जाएंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे टीम ओडिशा को, तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। ये कोई जानता नहीं कि हमारे कौन से टूर्नामेंट खेल के आई थी, कौन से टूर्नामेंट, सब कुछ छोड़ दिया इसीलिए, ठीक है। तो छोड़ देने के बाद क्या हो गया ना, हमारा टीम पूरा पूरा टूट गया। तो टूट जाने के बाद हम कोई खेले भी नहीं ज़्यादा, खेले भी नहीं, टाइम भी नहीं दिए। बहुत सारे काम रहता है, बहुत सारे घर के काम रहता है, बहुत सारे बाहर के काम रहता है, तो हम टाइम भी नहीं दिए, तो कोई हमको साथ भी नहीं दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने ये सोचा जो हमारे साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, क्योंकि अगर आप लोग खेलोगे तो अगर जाओगे और कहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, मेरे को बहुत ही खुशी मिलेगी हमारे यहाँ से कोई गया है और कोई नाम किया है, तो मैं बहुत ही खुश, मतलब खुशी भी बहुत मिलेगी मेरे को, ठीक है। लेकिन ये कोई सोचता नहीं है, सोचते हैं सारे के सारे काली, जो भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आप नफरत करते हो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए बड़ी बात है। मैं प्यार करता रहूँगा, अगर आप लोग नफरत करते रहोगे करते रहो, मैं तो प्यार करता रहूँगा, आगे जो बोलेगा या सोचेगा मेरे को कोई आता आता नहीं है, ठीक है। तो ये एक ये गई पहली बात। तो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं मेरे बारे में कुछ बोलता हूँ, ठीक है, मेरे बारे में कुछ बोलता हूँ। दो तीन दिन पहले कस्टम पे सुधीर सरकार भाई आए थे, और सुधीर सरकार भाई के वहाँ पे पूरे के पूरे मेरी टीम थी और उनके तरफ से उनकी टीम थी। मैं बहुत खुश हो गया, सुधीर सरकार भाई के साथ मैं खेलूँगा, मेरे इंस्पिरेशन जो मानता हूँ, ठीक है, आप लोग तो जानते ही हो। तो उसके बाद सुधीर सरकार भाई को मैंने मैसेज किया, अरे सुधीर भाई आई एम बिग फैन ब्रो, और उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो बहुत मैंने मैसेज किया, मैसेज इतना मैसेज करने के बाद भी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने बस लास्ट में इतना ही बोला सुधीर भाई मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना, और नहीं तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरे को भेज दीजिए। तो वो क्या किए ना, वो इग्नोर कर दिए, इग्नोर करके चले गए। मेरा दिल बहुत टूट गया कि मैं जिसको इंस्पिरेशन मानता था
वो कुछ रिप्लाई नहीं दे चले गए। तो मैंने सोचा तो भाई सही है, कोई भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है कि वो मेरे को देखेंगे, मेरे को मतलब अटेंड देंगे। तो भाई मैं क्या ही नहीं, मेरा नाम भी कुछ आया भी नहीं, मैंने कुछ करूँगा तो तभी तो वो अटेंड करेगा ना। उनके लिए जाने के लिए मैं क्या क्या हूँ। तो छोड़ो भाई वो, तो भाई मैं भी, अगर आप सोचते हो ना मैं भी कोई बड़ा प्लेयर अपने आप सोचता हूँ, नहीं भाई मैं भी छोटा प्लेयर हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं एक सीढ़ी बनना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर चढ़ के जाए, मेरे ऊपर चढ़ के जाए, लेकिन मेरे को नीचे गिराने की कोशिश मत करें। क्योंकि अगर किसी को नीचे नीचे गिराने की कोशिश करोगे तो तुम खुद नीचे गिर जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इतना नीचे गिराने की अगर सोच रखोगे तो तुम एक ना दिन एक तुम खुद नीचे गिर जाओगे, तुमको पता नहीं, खुद को पता नहीं चलेगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्या नीचा दिखाने की मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, हाँ मेरे साथ जो लगता है बस एक दो बार उसको बोल देता हूँ, लेकिन नीचा दिखाने के लिए मेरे को सोच नहीं है। जो भी हैं बहुत ही सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, जो भी मेरे को गाली भी देते हैं वो भी बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सब सब के सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई मेरे को जानता नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं कि ये है वो है। अगर मेरे को जानोगे तभी बोल तो तभी ये बोलोगे नहीं कि मैं वो हूँ ये हूँ। ठीक है, तो बस मैं इतना बोलूँगा, अगर जब हमको सपोर्ट तभी मिलेगा, हमको देखने वाले तभी आएंगे जब हम एक हो जाएंगे। और मैंने आज तक जो भी किया हूँ मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिला है कि मैं ये क्या हूँ वो क्या हूँ, कोई क्रेडिट देता भी नहीं है, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी पब्लिक और मैं हम साथ में जाएँ और साथ में कुछ आगे करके दिखाएँ भी, बस इतना ही चाहता हूँ। कोई सपोर्ट करे या ना करे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बस साथ दो और आगे हम साथ अगर मिल जाएंगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बुरा भी लगता है कि उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, देखेगा कौन, सपोर्ट करेगा भी कौन, यहाँ पे कोई भी नहीं है हमको सपोर्ट करने वाला, कोई भी नहीं है। बस यही था जो मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम सब आगे जाएंगे, हमारे भी नाम आएंगे, हमारे कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, हमारे कम्युनिटी के बंदे के नाम आएंगे तो बहुत ही खुशी मिलेगी, बहुत मज़े आएंगे, खुशी आएंगे, बहुत ही खुशी मिलेगी, प्राउड फील होगा खुद पे, होकर मतलब खुद पे खुद एक प्राउड फील होगा कि नहीं हमारे बंदे भी ये कर पा रहे हैं, वो भी कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सोचता नहीं, यहाँ पे सारे के सारे सोचते हैं रिवेंज, नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सोचता नहीं कि आगे कैसे जाएं। तो मैं बस इतना चाहूँगा, दलदल से निकलो, दलदल से निकलो, ज़मीन पे आ जाओ, दलदल में जितने तुम मतलब जाने जितने भी नीचे या जो भी करोगे नीचे ही जाओगे, तो ज़मीन पे आ जाओ भाई लोग, दलदल से निकलो, अच्छा रहेगा, साथ में आगे जाएंगे, साथ में खुश रहेंगे, बस इतना ही चाहूँगा। कोई साथ दे या ना दे, मेरी पब्लिक जितने भी छोटी भी है बस प्यार देना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो बस इतना ही था मेरे तरफ से, मेरा जो बोलना चाहूँगा बस इतना ही था। मेरा सपना तो आपको बोल चुका हूँ कि जब भी कुछ करके दिखाएंगे, साथ में जाएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं, बस इतना ही चाहूँगा मैं, और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर इतना कुछ बोलने के बाद भी अगर कोई समझेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो आखिर में इतना ही बोलना चाहूँगा, दिल एक बार टूटा है मेरा, अगर दूसरी बार टूटेगा, और मेरा उम्मीद जितना भी है आप लोगों के ऊपर ही है और कुछ भी नहीं। अगर दूसरी बार टूटेगा तो काली रुक जाएगा, और शायद ही और कभी काली मिलेगा भी नहीं, काली भी रुक जाएगा, काली भी मर जाएगा, और शायद ही काली और मिलेगा भी नहीं। बस आप लोग की उम्मीद में यहाँ तक हूँ, जिंदा हूँ तो नहीं तो नहीं, तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।